यूट्यूब ऐप पर घंटी बजाओ और खबरें अभी तक की हर खबर की अपडेट पाओ। मौसम विभाग के अनुमान के अनुरूप ही प्रदेश के पहाड़ी इलाकों में हिमपात हुआ है। कुफरी की ऊंची पहाड़ियों और रोहतांग में बर्फबारी का सिलसिला शुरू हो गया है। प्रसिद्ध पर्यटन स्थल कुफरी, फागु, नारकंडा और खंडा पत्थर में बुधवार रात बर्फबारी हुई। कुफरी में हल्का हिमपात हुआ। कुफरी में -0.3 डिग्री सेल्सियस तापमान रिकॉर्ड किया गया। तो आपको बता दें, जिसके चलते हमने पहले भी आपको बताया कि बर्फबारी के चलते तापमान 0 डिग्री से भी नीचे आ गया है। कुफरी में -0.3 डिग्री सेल्सियस तापमान रहा। तो आपको बता दें, हिमपात के चलते तापमान गिरता जा रहा है, 0 डिग्री से भी नीचे तापमान आ गया है, जहां पर कुफरी में -0.3 डिग्री सेल्सियस तापमान रिकॉर्ड किया गया। इसी के चलते बर्फबारी पहाड़ी इलाकों में लगातार बर्फबारी का दौर जारी है, जिसके लिए तमाम जानकारी के साथ हमारे संवाददाता कुल्लू से मनीष ठाकुर हमारे साथ जुड़ गए हैं। तो उनसे जानते हैं कि बर्फबारी के चलते कैसी परिस्थितियां अभी उधर है। मनीष ठाकुर जी, अर्चना, देखिए जिस तरह जो मौसम की अगर बात की जाए, तो यहाँ पे जो लगातार पिछले 3-4 दिनों से मौसम खराब था और काफी जो नवंबर माह में देखा जाए तो काफी अधिक मात्रा में बर्फबारी यहाँ पे हुई थी, तो जिसको लेकर जो है बर्फ की जो सफेद चादर है यहाँ पे बिछ चुकी है। लोग जो है यहाँ पे काफी इंजॉय कर रहे हैं, तो काफी आनंद ले रहे हैं। जी अर्चना, मनीष ठाकुर, जो पर्यटक घूमने आए हैं उनके लिए तो ये एक सुहावना मौसम है, हालांकि वो इंजॉय कर रहे हैं, लेकिन जो वहाँ के स्थानीय निवासी है उनको क्या कुछ परेशानियों का सामना करना पड़ रहा है बर्फबारी के चलते? देखिए, अगर पर्यटकों की बात की जाएगी तो पर्यटक जो है नवंबर माह में जो काफी समय के बाद यहाँ पे बर्फबारी हुई है, तो पर्यटक काफी आनंद ले रहे हैं। और अगर स्थानीय लोगों की बात की जाए तो स्थानीय लोग भी इसमें कह रहे हैं कि जो काफी समय बाद उन्होंने इस समय जो है बर्फबारी देखी है। हालांकि जो सितंबर माह में कुछ बारिश और ज्यादा हुई होने के कारण जो सड़कों की हालत खराब हुई थी, लेकिन वो ठीक कर दी गई है। और तो स्थानीय कारोबारी को भी यही कहना है कि अब मनाली आप आराम से आ सकते हैं और यहाँ पे घूम सकते हैं, उनका बिल्कुल यहाँ पे स्वागत किया जाएगा। जी अर्चना, मनीष ठाकुर, तो क्या हम ये कह सकते हैं कि पर्यटकों के साथ साथ जो स्थानीय लोग हैं उन्हें भी बर्फबारी के चलते कोई दिक्कत नहीं हो रही, जैसे कि घरों से बाहर निकलना मुश्किल हो गया हो या ठंड का तापमान इतना ज्यादा बढ़ गया है, ठंड इतनी ज्यादा हो गई है, उसके चलते क्या स्थानीय लोगों को कोई परेशानी नहीं आ रही? मनीष ठाकुर, देखिए इतना जो अगर स्थानीय लोगों की बात की जाए तो जो बर्फबारी से है यहाँ पे उतनी अधिक बर्फबारी नहीं, क्योंकि जब आज जो है यहाँ पे मौसम खुल चुका है और धूप जो यहाँ पे आसमान में छाई हुई है। लेकिन अगर स्थानीय लोगों की बात की जाए तो जो पर्यटन कारोबारी उनका तो ये बर्फबारी एक वरदान के रूप में साबित हुई। लेकिन अगर स्थानीय लोगों की बात की जाए, जो यहाँ की स्थानीय जनता है, जो आम लोग हैं, उनके लिए कहीं ना कहीं ये भी थोड़ी मुश्किल भी पेश में पेश आ सकती है। लेकिन अगर जो बागवान है और किसान है उनके लिए जो बर्फबारी है एक सोने पे सुहागे का काम करती है। जी अर्चना, बहुत बहुत शुक्रिया मनीष ठाकुर तमाम जानकारी के लिए। इसी के साथ शिमला से मौसम वैज्ञानिक हमारे साथ मनमोहन सिंह जुड़े हैं, तो उनसे जानते हैं। मनमोहन सिंह जी, तो जैसे कि आप देख रहे हैं लगातार बर्फबारी हो रही है, इसके चलते अब आने वाला मौसम किस तरह का रहेगा? अभी जैसे कि जो अभी पिछले 24 घंटों में हिमाचल प्रदेश के लगभग सभी स्थानों में बारिश और स्नोफॉल हुई है। जो स्नोफॉल है वो हिमाचल प्रदेश के 12 में से जो 7 डिस्ट्रिक्ट है वहाँ पे हल्की से दरमियानी जो स्नोफॉल हुई है। लेकिन अभी जो आने वाले टाइम में मौसम लगभग साफ रहेगा। आज कुछ एक जगह पे जो 1-2 डिस्ट्रिक्ट है जहाँ पे हल्की बारिश या स्नोफॉल हो सकती है, 1-2 स्थानों पे ही रहेगी, बहुत लाइट पॉसिबिलिटी है स्नोफॉल या रेनफॉल होने की, और उसके बाद जो मौसम है वो ठीक रहेगा। लेकिन जो पिछले 24 घंटों में लगातार बारिश हुई है और कई जगह ओलावृष्टि भी हुई है और स्नोफॉल हुई, इससे टेम्परेचर काफी गिरावट दर्ज की गई। जो टेम्परेचर है वो 4-5 डिग्री जो कल के मुकाबले आज जो उसमें गिरावट आई है। और जो शिमला का जैसे तापमान है, कल 7.9 डिग्री था, आज 3.3 रहा, जो कि सामान्य से जो 5 डिग्री वो कम चल रहा है। तो बाकी हिमाचल प्रदेश के सभी जो डिस्ट्रिक्ट में जो तापमान है वो 3-4 डिग्री जो है वो नॉर्मल से कम चल रहे हैं। बहुत बहुत शुक्रिया मनमोहन सिंह जी आपका तमाम जानकारी के लिए। तो देश भर के कई इलाकों में बर्फबारी का दौर लगातार जारी है और बर्फबारी के चलते तापमान में गिरावट आई है, ठंड ज्यादा बढ़ गई है और उत्तरी मैदान में भी रुक रुक कर बारिश का मौसम देखने को मिला है।